नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आपका स्वागत अभिनंदन है आपके मेरे और माता रानी के इस YouTube चैनल पर। एकादशी के बारे में हम सब जानते हैं कि एकादशी पर हम चावल नहीं खाते, ये तिथि लक्ष्मी और विष्णु को समर्पित है, इस दिन उनकी पूजा होती है। और अगर 3 मार्च का दिन हो, होली के जले कटे दिन हो, एकादशी हो और वो भी शुक्रवार वाले दिन हो, ओए होए, फिर तो कहना ही क्या। मतलब विष्णु की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी का दिन साथ में हो तो असीम कृपा भगवान की हमारे ऊपर हो सकती है और असीम उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा हो। फागुन के इस महीने में एकादशी कृष्ण जी के लिए बेहद खास है, ठीक है। फागुन का महीना है, एकादशी है, होली का टाइम चल रहा है मथुरा वृंदावन में, और वैसे भी मैंने आज को आपको बोला कृष्ण भूमि में आज लठमार होली मनाई जाएगी, तो ये अपने आप में बहुत खास है। आज विष्णु जी की पूजा जरूर करें, आज गुलाब जल पानी में डाल के स्नान जरूर करें, घर में गुलाब जल जरूर छिड़के, अपने घर में लोबान का धुआं जरूर दें। शुक्रवार है, आज महालक्ष्मी का दिन है, कमल गट्टे की माला पर वो महालक्ष्मी नमा का जाप करें और लक्ष्मी जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें। इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको किसी के घर का कुछ नहीं खाना, ये उपाय केवल और केवल साल में एक बार किया जाता है जो कि 3 मार्च की एकादशी पर किया जाएगा। चलिए क्लियर करती हूँ। आधा किलो आपने गुलाब जल, आधा किलो आपने जो है गुलाब जल, बार बार मुंह से निकल रहा है क्योंकि गुलाब जल का इस्तेमाल इन टाइम पे ज़्यादा होता है, आपको आज आधा किलो शहद की शीशी लेनी है। अगर मैंने पहले गलत बोला हो तो सही कर रही हूँ, आधा किलो शहद की शीशी लेनी है, उसमें 108 गुलाब की पत्तियाँ डालकर आपको अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को, भगवान जी को अर्पण कर देना है। आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत हो जाए, मेरे मोहन जो को इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए, मेरे भगवान आप ही की वस्तु आप ही के आगे कर कृपा अपनाओ, मेरे मोहन आप भोग को खाओ मेरे मोहन, ठीक है। आपने भोग लगा दिया, शाम को उसे उठा लीजिए, घर में प्रसाद के रूप में सबको एक एक गुलाब की पत्ती जो कि खा सकते हैं, साइंटिफिक है, और शहद का एक एक चम्मच खिला दीजिए। सबके ऊपर से किसी तरह की कोई नकारात्मकता आएगी ही नहीं, उल्टा सब पॉजिटिव हो जाएंगे। अब प्लीज़ आप मुझसे ये मत कहना कि आपके घर के पास गुलाब नहीं मिलता, आप मुझसे ये मत कहना शहद नहीं मिलता, और गुलाब लाल रंग का हो तो बहुत ही अच्छा, लाल ना हो तो किसी भी रंग का होगा चलेगा। इसका प्रयोग आप ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये शहद और शीशी के अंदर ही आपको जो है ना, आधा किलो की शीशी में ही आपको 108 पत्तियां डालनी हैं। आप इसे कटोरे में निकालकर फिर एक डब्बे में भर के भी रख सकते हैं, भगवान को भोग लगाकर इसे खाने में प्रयोग करें, आते जाते किसी खास काम पर प्रयोग करें, इसके आपको 100 out of 100 रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा आप 3 मार्च की इस एकादशी पर ही कर सकते हैं। फिर बता रही हूँ, ये जले कटे दिन है, एकादशी पे व्रत ज़रूर रखना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तो जो जले कटे दिन की एकादशी होती है क्या इस पर व्रत रखना है, तो हाँ व्रत रखना है, इसके फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा होंगे। व्रत ज़रूर रखें, भगवान की असीम कृपा आप पर होगी और कोई प्रॉब्लम आप पर नहीं होगी। एकादशी पर जमकर दान पुण्य भी करें।